स्काउट्स की बेसिकली जिम्मेदारी है कि इंसानियत की खिदमत बिला तफरीक। आप लोगों को तफरीक सिखाई जाती है क्या? जी नहीं, हमें बिल्कुल बिला तफरीक से इंसानियत की खिदमत, मतलब किसी भी मतलब से हो, किसी भी फिरके से हो, किसी भी मज़हब से हो। घर वाले आज आपसे मिलते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, आप बच गए इतने बड़े वाक़े? सबको प्राउड महसूस होता है और बोलते हैं नहीं हम रोकेंगे नहीं हमें, और इंशाल्लाह इंसानियत की खिदमत करने से उन्होंने रोका नहीं आपको? नहीं, कभी नहीं रोका। ख़ासकर मेरी वालदा ने मुझे कभी इस चीज़ में हमेशा आगे आगे भेजा। क्या दर्स देना चाहते हैं इस पूरी इंसानियत को? बस यही कि सबसे पहले इंसानियत को मरकज़ बना लें अपना, और जब आप इंसानियत को मरकज़ बना लेंगे तो बाकी सब चीज़ आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। क्या आप समझते हैं कि फ़िरकावारियत है हमारे मुल्क के अंदर मौजूद? चंद दहशतगर्द अनासिर हैं जो हमारे दरमियान ये फूट पड़वाना चाहते हैं। मतलब शिया सुन्नी इख्तिलाफ़? शिया सुन्नी कोई इख्तिलाफ़ नहीं है हमारा, कोई झगड़ा नहीं। आपके साथ तो अहले सुन्नत स्काउट्स भी काम करते हैं? बिल्कुल, मेरे दोस्त हैं, यार हैं, सब ने बढ़ चढ़ के मेरी बहुत मदद की। हॉस्पिटल में रात में रुके मेरे साथ, सब अहले सुन्नत से हैं। हमें कभी ऐसा तनासुर आया ही नहीं कोई फिर कवालियत का किसी भी हवाले से। सबसे पहले एहसास और इंसानियत, बस उसके अलावा एहसास और इंसानियत का दर्स है। बिल्कुल, इससे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैसेज यही देना चाहूँगा कि अपने तमाम सुनने वाले नाज़रीन से कि इंसानियत को इंसान समझें, अपने अंदर एक ऐसा जज्बा महसूस करें कि तमाम लोग हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, इस्लाम है। उस मोहम्मद और आले मोहम्मद का जो उन्होंने हमें दर्स दिया जो आज तक 1400 साल से चलते आ रहा है, तो हमें उसको फॉलो करना है और इंसान का एहतराम करें। इंसान का एहतराम होगा तो हमारे मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म होगी, मुल्क बहाल होगा। एग्जैक्टली, तमाम इंसानों को इंसानियत का दर्स देना और इंसान समझना ही शायद इंसानियत की बका है। अयाज़ हुसैन जो कि स्काउट हैं, उन्होंने भी यही दर्स दिया। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, ये हमारी प्रोग्राम आपकी बात में, जो उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि तमाम इंसानों को यकजहती के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत रखनी पड़ेगी और अपने अंदर डेप्थ पैदा करनी पड़ेगी ताकि वो कुछ नेक काम अंजाम दे सकें। अगर इंसानियत सलामत है तो ये दुनिया, ये वतन, ये शहर और ये तमाम सिलसिले सलामत हैं। और अगर इंसानियत ही नहीं बचेगी तो फिर ये बहुत ख़तरनाक बात हो सकती है। तो इंसानियत को फ़रोग दें, याद रखें उन लोगों को कि जो चले गए और कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे, लेकिन अयाज़ इस वक्त मौजूद हैं। अयाज़ के अहले खाना के जज्बात मुख्तलिफ हैं उन लोगों से कि जो अपने मोहब्बत करने वालों की याद में शायद सदियों तक रोते रहेंगे, मगर दुनिया की कोई ताकत उनको लौटा नहीं सकती। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि इस मुहर्रम में ही नहीं बल्कि हर रोज़ आने वाले दिन में हम एक दूसरे के साथ अफ़ाम तफ़ीम से रहें, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्स भी है। जिस मोहब्बत और इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए इमाम हुसैन ने, नवासे रसूल ने अपनी क़ुरबानी पेश की, वो तमाम दुनिया बखूबी समझ सकती है तकारीर में, किताबों में। कोशिश करें कि अपने आप को एक बेहतरीन इंसान साबित करें। प्रोग्राम चल रहा है, हमारे साथ रहिए और लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत सी फैमिली से आपकी मुलाकात हुई, ये सफ़र हमें इस वक्त ले आया है एक ऐसे घर में, एक ऐसे खानवादे के पास कि जिसके पेरेंट्स अब मौजूद नहीं हैं। वालिद का नाम सैयद सज्जाद हसन और उनकी अहलिया दोनों साथ थे उस जुलूस में, उस मकाम पर के जहां सन 2009 में ब्लास्ट हुआ आशूरे को, 4:13 थे। वो चले गए लेकिन धमाके की गूंज आज तक शायद इनके घर में इनको सुनाई देती होगी। उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, उनके बेटे भी हैं। 2 बरस गुजर गए, क्या हुआ था? हाउ डिड इट हैपन? बेसिकली हम लोग बस गए थे न्याज देने, क्योंकि हमारे 30-40 ईयर्स से हमारी न्याज वहाँ बांटी जाती है, तो हमारा ये है हर साल का जाना होता है, तो हम कभी इस चीज़ में नागा नहीं करते या कोई। तो इसी वजह से इस बार जैसे हमें पता था उस बार कि सारा खतरा है और सब, मगर यही कि
خطرے کے باوجود آپ لوگ گئے وہاں پر نیاز صرف کرنے کے لیے؟ بالکل, کیونکہ جو روزہ دار ہیں, جو جلوس میں, جو کہ امام حسین کا میسج لے کے جو لوگ جلوس میں اتنے دیر چلتے, پسینے ان کو دھوپ میں سب, تو ان کو نیاز بانٹنا یہ تو ہمارا کام ہے. آپ کے والدین یہ کام کرتے آئے تھے؟ جی بالکل, میرے دادا کے ٹائم سے ہم یہ کرتے آ رہے ہیں, نیاز بانٹ رہے تھے. بالکل, اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہم نے تب سے دیکھا, ہم بھی چھوٹے ہوتے ہوئے سے اب تک یہی کر رہے تھے. آپ کہاں تھے جب بلاسٹ ہوا؟ میں بالکل ان کے ساتھ ہی, تھوڑے سے ہی بالکل فاصلے پہ, جتنا تقریباً آپ کا میرا فاصلہ ہوگا اتنے ہی فاصلے میں بیٹھی تھی ان سے. دھماکے کی آواز کے بعد آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ پہلا تو یہی, مطلب کچھ سیکنڈ تک تو آپ وہ اسی کے اس میں ہوتے ہو, مطلب وہ ٹراما, بالکل ایگزیکٹلی. آئی کلوز مائی آئیز, وہ ایک چیخ کے ساتھ اور سب, مطلب ڈر اس وقت ایک سیکنڈ کو سمجھ نہیں آیا. پھر جب آنکھ کھلی تو تب اندازہ ہوا کہ کیا ہوا ہے یہ. جب باڈیز دیکھیں اور جو سارے حالات تھے وہاں پہ, ہاف باڈیز جو بھی چیزیں تھیں وہ دیکھیں, تب اندازہ ہوا. بالکل بالکل, ہر طرف پوری زمین لال ہوئی ہوئی تھی کہہ لیجیے. جواد, آپ کے فادر سجاد صاحب, 4:13 پہ جب بلاسٹ ہوا تھا آپ کہاں تھے؟ اندازہ میں اس وقت جلوس میں ہی آ رہا تھا, اور اس وقت بھی میں نے علم اٹھایا ہوا تھا, اور میری 5 سے 10 منٹ پہلے میری والدہ سے میری بات ہوئی تھی. میری امی نے پوچھا کہ آج جلوس لیٹ ہو گیا ہے تھوڑا وقت کے مطابق, کیونکہ 3:30 بجے تک ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو میری امی سے میری آخری بات یہی ہوئی کہ بس ہم راستے میں ہوں, میں بھی ریڈیو پاکستان پہ پہنچا ہوں, جو ہے میں آ رہا ہوں پیچھے پیچھے, بس آپ ساتھ ساتھ چلتے, بس وہاں پہنچنے والا ہوں اور آدھے گھنٹے پہنچ جاؤں. سو میں نے علم اٹھایا ہوا تھا جس وقت مجھے ایک دھماکے کی آواز آئی. پہلے تو سب نے یہ کہا کہ وہاں کوئی پی این ٹی پھٹ گیا ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے, بٹ سب جتنے بھی میرے دوست اور لوگ میرے ساتھ تھے علم اٹھائے ہوئے, سب نے اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو فون کرنا شروع کیا. ساری بات ہے, ایک آپس میں ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے, ایک دم فکر سب کو لگ جاتی ہے. سب نے اپنے عزیزوں کو فون کیا. میں نے جس دم جب بھی کسی کو فون کیا, اس کا فون نہیں ہو, نہ امی نے فون اٹھایا نہ ابو نے, کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا کنیکٹ. فون ایکچولی ان کا سوئچ آف آ رہا تھا, میرے والد کا بھی فون سوئچ آف آ رہا تھا, میری امی کا بھی سوئچ آف آ رہا تھا, اور باقی کوئی اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا. آپ کتنی دیر میں پہنچ گئے پھر اس جگہ تک؟ جب میں نے فون پہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تھی اور کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا, تو ظاہری بات ہے کیونکہ گھبراہٹ بہت زیادہ ہونے لگ گئی کہ کیا ایسی بات ہو گئی کہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں. تو ایک مجھے فون آیا, اس پہ انہوں نے کہا کہ وہیں بلاسٹ ہوا ہے لائٹ ہاؤس کے پاس, اور جو ہے میری چھوٹی بہن زخمی ہو گئی. میری پپی کا ایک فون آیا مجھے, ان سے جب میری بات ہوئی, مسلسل 10 سے 15 منٹ تو میں فون کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا, نہیں بات ہوئی. تو پھر میں وہاں سے بھاگتا ہوا اس جگہ کی طرف گیا جہاں پر بلاسٹ ہوا تھا. وہاں گیا تو وہاں کا تو منظر ہی کیا دیکھا آپ نے وہاں پر؟ تو ہر چیز جو تھی اپنی جگہ سے ہلی پڑی ہوئی تھی, کیونکہ میں تو ہر سال جاتا ہوں, ایک بندے کے, ایک انسان کے دماغ میں ایک سیٹ ہوتا ہے کہ میں یہاں جاؤں گا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. وہاں تو بالکل سب کچھ اجڑا ہوا تھا, دھواں اٹھ رہا تھا, اور ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میں کربلا کے منظر میں کھڑا ہوں. چاروں طرف جو تھیں وہ لوگوں, شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور بے انتہا ٹکڑے پڑے ہوئے تھے, کسی کا ہاتھ کسی کا سر, سب کچھ درد ہوا ہوا تھا, پوری زمین جو ہے وہ لال ہوئی ہوئی تھی جیسے میری بہن نے کہا. اور اس وقت وہ جتنی بھی باڈیز تھی وہ اٹھا کر ہاسپٹل لے کے جائے تھے. آپ نے پیرنٹس کو ڈھونڈا؟ میں نے پیرنٹس کو وہاں بہت ڈھونڈا, تقریباً مسلسل 10 سے 15 منٹ تو میں ادھر ادھر پوچھتا رہا. پھر مجھے وہاں پر میرے چاچا مجھے ملے, انہوں نے مجھے اس وقت بتایا کہ میرے والد نہیں رہے. ایسا نہیں ہو سکتا, آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, چوٹ لگی ہوگی, اسپتال گئے ہوں گے. انہوں نے بولا ہم نے ان کو دیکھا ہے, امی کا پتہ نہیں, مگر وہ والد آپ کے نہیں رہے. ہم پھر تینوں سول ہسپتال گئے, وہاں پر ایک ہجوم جمع ہوا ہوا تھا, مار دھاڑ چل رہی تھی. خیر سب سے بچتے بچاتے میں جیسے ہی مردے خانے کے اندر گیا تو میرے والد کو میں نے ان کے پیروں سے بچا لی. ان کو میں نے دیکھا اور واقعی میرے والد تھے, اور اسی وقت جو ہے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں اور کیا. والدہ کو ڈھونڈا پھر آپ نے؟ پھر والد کے بعد مجھے سب سے پہلا جو خیال آیا والدہ کا آیا, کہ میں نے کہا والد تو میرے یہاں ہیں, والدہ کہاں ہیں؟ والدہ کا علم نہیں.
वालदा को ढूंढने के लिए मैंने वहाँ के जितने भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स थे जो कि बहुत कम थे, वो एज सच वो किसी इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर पहले से थे ही नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आई गेस पहले से, ज़ाहिर उनको मालूम तो नहीं होगा ना क्या होने वाला। बिल्कुल, बहरहाल हम जब वहाँ पर मैं अपनी वालदा को ढूंढने लगा, इट टुक मी लाइक अराउंड 3 आवर्स, क्योंकि वो जनाना सेक्शन में थी और वहाँ पर जो कैजुअलिटीज बहुत कम थी, फीमेल कैजुअलिटीज एज जो डेथ्स थी वो थोड़ी नस्बतन कम थी मर्दों के नस्बत, तो उनकी बॉडी अलग से रखी गई थी। उनको ढूंढने के लिए मैंने हर वो बॉडी देखी और वो कुछ देखा जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। आपको कब पता चला इंसान? मुझे तो काफ़ी दिन बाद पता चला था, क्योंकि मेरी मैं खुद जख्मी थी, मेरी टांग में चोट लगी हुई थी, तो एक वीक तक जब तक मैं उसी साने में जी जब तक मैं एक वीक में वीक तक हॉस्पिटल में थी तो मुझसे छुपाया हुआ था सबने, क्योंकि मेरी काफ़ी सीरियस थी। तो फिर जब मैं घर गई थी तो तब मुझे जो है भाई ने और पप्पो और सब ने मिल के बताया था कि अम्मी अब्बू शहीद हो गए। 2 साल के बाद वो दिन दोबारा आने वाला है कल, बस क्या महसूस होता है? कमी तो खैर बहुत ज़्यादा महसूस होती है अम्मी अब्बू की, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, मगर बस ये है कि इमाम हुसैन के लिए जब तक तो एक हौसला इमाम हुसैन के उस। आपके ख्याल में ये जो कुछ भी हुआ ये फ़िरकावारियत है या उससे कुछ हट के कोई और बात है? मेरे ख्याल से तो उससे हट के बात है, फ़िरकावारियत नहीं है। मेरे ख्याल से तो इंसानियत से हट कर है, इसमें ना मज़हब का कोई हाथ है ना कोई फ़िरके का हाथ है, ये इंसानियत से हटकर कोई गैर इंसान ही हो सकता है जो कि सोच सकता है कि इस तरह की हालत की जाए किसी दूसरे इंसान की। चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, कोई शख्स के जो नेगेटिव काम कर रहा है, इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है, बेशक क्या, क्या क्या कह सकते हैं आप इस सिलसिले में? देखिए कौन कर रहा है, क्या कर रहा है और किस लिए कर रहा है, इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं, मगर ये हम आप हम जो से इंसान नहीं कर सकते। हमारे तो घर में कोई जानवर भी होता है तो आप उसको नहीं मार सकते। इंसानियत ये कहती है, आपका मज़हब ये कहता है और हर फ़िरका यही सिखाता है, हर मज़हब यही सिखाता है, आपस में मोहब्बत का पैगाम होता है। इमाम हुसैन ने मोहब्बत का पैगाम पहुँचाया और मोहब्बत इस दुनिया में फैलाई, जो जिस वजह से आज इस्लाम ज़िंदा है। आप सबने बात सुनी उन तमाम फैमिलीज़ की कि जिनके घर वालों ने शहादत नोश की, जिनको इस बात का इल्म नहीं था कि शायद कोई धमाका होने वाला है, जिनको ये नहीं मालूम था कि कोई गोली चलने वाली है, 2 बरस गुजराने के बाद भी आज वो उनको उसी तरीके से याद करते हैं। अब देखें कि उनके जज्बात क्या हैं, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब। इमाम हुसैन ने 1400 बरस पहले मैदान करबला में जो कुर्बानी पेश की वो इसी इंसानियत को बचाने के लिए पेश की। स्काउट्स को देखिए, किसी भी मज़हब से हों, मसलक से हों, किसी दीन से हों, सब एक जगह इकट्ठे होकर काम करना चाहते हैं सिर्फ इंसानियत के लिए, चाहे वो आशूरा मुहर्रम का जुलूस हो या वो कोई नातख्वानी की महफिल हो या रबी अव्वल के अहल सुन्नत के प्रोग्राम्स हों, तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं कि ये लोग मौजूद होते हैं। अगर हम आपस में अफाम तफहीम से रह सकते हैं, जैसा कि हमारे कानून में भी है, जैसा कि पाकिस्तान के आइन में भी है कि तमाम मज़ाहिब को आज़ादी है कि वो अपनी रसूमात को सही तरीके से अदा कर सकते हैं, तो हम एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं करते? अगर हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे होते हैं तो कुछ लोग इस बर्दाश्त को चेक करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए कुछ ऐसी मज़मूम कार्रवाइयाँ करते हैं जिससे लोगों में निफाक पैदा हो, जिससे लोगों में दुश्मनियाँ पैदा हों। इन दुश्मनियों को ख़त्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इंसानियत की इज़्ज़त करें, इंसानियत के साथ रहें। कल आशूरे के दिन 4:13 फिर आएंगे और फिर वो लोग याद आएंगे जिन्होंने उस धमाके को सहा या जिनके ख़ानदान वाले उस धमाके की गूंज हमेशा अपने कानों में महसूस करेंगे, क्योंकि उनके वो अज़ीज़ तरीन लोग दोबारा लौट कर नहीं आ सकते। इस दुआ के साथ कि खुदाया तमाम इंसानों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबको इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।